हेलो एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं बच्चों के लिए कुछ स्पेशल और उनका फेवरेट स्नैक्स, वो भी बहुत कम सामान और कम मेहनत में। बच्चे इसे देखकर बहुत खुश होने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को हम बनाएंगे उबले हुए आलू से। तो यहाँ पे हमने 2 बॉयल आलू लिए हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये आलू येलो कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैं दाल बनाती हूँ तो उसी में आलू डाल देती हूँ ताकि दोनों काम साथ में हो जाए। तो बस हमें आलू को अच्छे से मैश कर लेना है और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज, हरी धनिया, साथ में मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें यूज नहीं करूँगी, बस इतने ही सामान मैं डाल रही हूँ। और थोड़े से डाल दे रही हूँ मैं चाट मसाला 1/4 स्पून। तो फ्लेवर के लिए है ये चाट मसाला, आप चाहे तो चाट मसाले को भी स्किप कर सकते हैं, और चाट मसाले डालने से टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। तो बस इतने ही सामान की हमें ज़रूरत है। अब हम इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं ताकि आलू के साथ नमक और प्याज व्याज जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आलू जो छोटे बड़े बड़े थोड़े पीस हैं, हम उन्हें थोड़े छोटे भी कर लेंगे और इसे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। बहुत ही इजी रेसिपी है, सिंपल भी है और बनाना भी एकदम इजी है, साथ में टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इसका। तो हमारा आलू का मसाला बन करके तैयार है। तो अब हमने यहाँ पे लिया है ब्रेड, तो मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड यूज़ किया है। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। बस हमने जो आलू के मसाले बनाए थे वो ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से पतले लेयर में ही फैलाना है, बहुत आलू को मोटा नहीं रखना है। बस ब्रेड के चारों तरफ अच्छे से फैलाना है ताकि अच्छे से जो ब्रेड है वो आलू के मसाले से फैल जाए। तो मैं इसे चाकू की सहायता से फैला रही हूँ, इससे ये बहुत ही अच्छे से और एक लेयर में फैलते हैं। तो इस तरीके से जैसे हम ब्रेड पर मक्खन लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें आलू के मसालों को ब्रेड पे अच्छे से फैला लेना है। तो देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, ये नाश्ता जो है कम ब्रेड में बहुत सारे स्नैक्स हमारे बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 ब्रेड का यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने 2 ही दिखाया है। तो अब हम ब्रेड को स्लाइस में कट कर लेंगे। तो बड़े वाले ये ब्रेड है तो मैं इसमें से 4 पीस कट कर लूँगी इस तरीके से लंबे शेप में। तो पतले पतले पीसों में इसे काट लेंगे। तो देखिए एक ब्रेड में हमारे 4 पीस बन के तैयार होते हैं। इसी तरीके से हमने दूसरे ब्रेड को भी काट लेना है, और जितना आप बनाना चाहती हैं उस हिसाब से ब्रेड को आप रख लीजिए। कम ब्रेड में ढेर सारा हमारा नाश्ता बन के तैयार होता है। तो ये ब्रेड अब हमारे कट चुके हैं, तो इनको साइड रखते हुए हम तैयार करेंगे घोल। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी गेहूँ का आटा। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे गेहूँ के आटे का यूज़ कर रही हूँ। और उसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच चावल का आटा। तो आप गेहूँ के आटे की जगह मैदे का भी यूज़ कर रहे हैं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गेहूँ के आटे का ही यूज़ किया है ताकि ये हेल्दी रेसिपी बने। तो अब इसमें पानी डालते हुए इसका एक हम घोल तैयार करेंगे। तो पतला ही थोड़ा रखेंगे, बहुत गाढ़ा नहीं और बहुत पतला भी नहीं। तो इस तरीके से पतला घोल तैयार करना है और इसमें कोई गुठलियाँ भी ना रहे। तो अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। तो ये आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम तीखा रख सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और देखने में भी ये अच्छा लगता है। साथ में
थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 1/4 टीस्पून अजवाइन। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच व्हाइट तिल। तो अगर आपके पास व्हाइट तिल हो तो डालें, ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और देखने में भी ये काफ़ी सुंदर लगता है। तो मैंने छोटे चम्मच से 1 छोटा चम्मच तिल डाला हुआ है। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं, देखिए इस तरीके से। तो अब हमारा घोल भी अच्छे से रेडी हो गया है। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड को पीस लिया था और उसका ब्रेड क्रम्स बना लिया है इस तरीके से बारीक चूरा। तो आप ब्रेड की जगह ब्रेड के किनारे का भी यूज करके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमने जो ब्रेड स्लाइस कट के रखे थे बस उसे घोल में इस तरीके से डीप करना है और ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर देंगे, देखिए इस तरीके से। तो हमारी रेसिपी इस तरीके से बहुत अच्छी बनती हुई है, साथ में ये ऑयल भी कम एब्जॉर्ब करता है। तो बाकी का बस इसी तरीके से घोल में डीप करना है और ब्रेड क्रम्स के ऊपर इसे कोट कर लेना है। तो जितने भी ब्रेड स्लाइस है सारे को हम कोट करके रख लेंगे और इसके बाद तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और एक एक पीस ब्रेड स्लाइस के डालेंगे। तो फ्रेंड्स हमें इसे हाई फ्लेम पे ही रखना है ताकि ये जल्दी से और बिल्कुल सुनहरा सा कलर एकदम आए और एकदम क्रंची सा कुरकुरा हमारा स्नैक्स बनके तैयार हो। तो देखिए इस तरीके से डाल करके हमें जब दूसरी तरफ कलर आ जाए तो इसे पलट देना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छा सा कलर आए। तो देखने में ही ये कितनी बढ़िया और लाजवाब लग रही है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है ये रेसिपी। मेहनत भी बहुत कम है और देखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो घर में छोटा मोटा पार्टी हो या कोई अचानक से गेस्ट भी आ जाए तो भी आप इस स्नैक को बना सकती हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी ये स्नैक्स। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए अच्छा सा कलर आ गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए ब्रेड्स को भी हम इसी तरीके से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे बहुत ही कम तेल में और बहुत कम समय में। एकदम क्रिस्पी सा हमारा ब्रेड स्लाइस बन के तैयार हो जाता है। तो आप इसे बच्चों को दे सकती हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा, या फिर घर में कोई पार्टी हो या अचानक से मेहमान आ जाए तो भी आप उन्हें ये बनाकर खिला सकती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें